ओह भाई इतनी ज्यादा ट्रैफिक इस रोड में, वो भी ओह मजा नहीं आ रहा भाई राइड का। ओ ओ अंकल 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 आराम से भाई, अगर बाइक लेके आते ना तो मजा आना था, मैंने सोचा बाइक लेके आओगे। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे यार अपने यूट्यूब फैमिली, होप करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और सभी अपने अपने लाइफ में जो है वो यार अच्छा कर रहे होंगे। तो इस वीडियो का भाई ये मेरा तीसरा टेक है, मैं बैक टू बैक पहले एक टेक लिया, दूसरा टेक लिया, तीसरा टेक लिया, लेकिन मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है क्योंकि काफ़ी दिनों बाद जो है अभी मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ ना। और कैमरे एक ऐसी चीज़ है यार, इसको जितना हम लोग जितने दिन इससे दूर रहेंगे ना, हमको थोड़ा सा इसका फोबिया सा होने लग जाता है और काफ़ी डर सा लगने लग जाता है। बाकी ऐसा कोई सीन नहीं है, जैसे जैसे आप सभी के साथ बात करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे तो पहले की तरह सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो यार आज के इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। बाकी जो हमारे चैनल पे नए हैं यार, सबसे पहले हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर देना। बाकी लाइक तो यार कर ही देना यार। तो अभी का सीन को अच्छा सा यार, अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। तो पिछले कल हम लोग राइड पे गए थे, मतलब नाइकी के साथ हम लोग घूमने गए थे, उसकी एक्चुअल में शादी आ रखी है तो उसकी शॉपिंग वगैरह करने के लिए गए थे। तो वहाँ पे मेरे को एक बच्चा मिलता है, तो वो बच्चा मेरे को बोलता है पंकी भाई हम लोग जो है आपके साथ राइड करना चाहते हैं। मैं किसी को भी मना नहीं करता हूँ, आओ भाई हम लोग साथ में राइड करेंगे, साथ में इंजॉय करेंगे और एक मेमोरीज कलेक्ट करेंगे। तो उसने एक चीज़ बोली कि अभी कुछ दिनों में जो है हम लोग बाइक ले लेंगे, तो उसके बाद जो है हम लोग भी काफ़ी तेज़ चला करेंगे आपकी तरह। यार ये चीज़ सुन के जो है ना लिटरली मेरे को बहुत बुरा लगता है। मैं काफ़ी बार एक चीज़ बोलता हूँ, क्या किसी को देख के भी जो है ना, दूसरे बंदे को देख के बाइक चलानी नहीं, मतलब भगानी नहीं है, आराम से चलो, धीरे से चलो। मेरे से अच्छे राइडर भी होंगे, मेरे से तेज़ भगाने वाले भी होंगे, मेरे से कम भगाने वाले भी होंगे, तो ऐसा नहीं है। हम लोग रेस करते हैं, हम लोग राइड करते हैं अच्छे से, मतलब धीरे धीरे, जितना कंट्रोल है उतना भगाओ, मैं ये चीज़ नहीं बोल रहा। लेकिन हाँ ये चीज़ बोलना बहुत गलत है कि आपको देख के भगाऊंगा, ये करूंगा, तो मेरे को देख के भगा रहे हो तो ये तो काफ़ी गलत बात है यार। और तुम मुझसे मैं आई थिंक प्यार नहीं करते हो। मैं इतनी बार बोलता हूँ कि भाई वी आर नॉट प्रमोटिंग रेस, हम लोग जस्ट इंजॉय करते हैं और हमको थोड़ा बहुत टाइम हो भी गया है, मतलब थोड़ी बहुत हम लोग चला लेते हैं जितना हमसे हो पाता है, और तुम लोग चलाओ भगाओ जो मर्जी करो, बट एक दूसरे को देख के नहीं। बाकी आज का जो व्लॉग है हम लोग अपने रूम से स्टार्ट करें, और भाई पीछे देखो यार कितना ज़्यादा गंद पड़ के रखा है। तो अभी मम्मी वगैरह गए हैं घास को, तो सफाई अब मैं करूँगा नहीं क्योंकि मेरे को दोस्तों का कॉल आ चुका है। तो सबसे पहले मैं हम लोग जाएंगे हर्षू के साथ मिलेंगे, क्योंकि उसका कॉल पिछले कल भी आया था, लेकिन मैं पिछले कल जो था वो थोड़ा सा बिजी हो रखा था जिसकी वजह से हम लोग मिल नहीं पाए। तो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा बातें भी करनी है, और वो यार हमारी लाइफ के ऐसे बंदे हैं जिन्होंने जब मेरे पास अडेप्टर नहीं होता था, मतलब जब मेरे को ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ की तो वो भाई खड़ते हैं और उनके लिए हम लोग हमेशा अवेलेबल हैं। बाइक ने भी यार थोड़ा थोड़ा मिस मारना स्टार्ट कर दिया है, इसमें फ्यूल अप करवा लेंगे हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि अभी हम लोग हर्षू भाई के साथ राइड करने के लिए जा रहे हैं और हर्षू भाई आई थिंक स्कूटी पे आएंगे। तो बहुत पहले की बात है यार, मेरे पास उस टाइम आई थिंक प्लैटिना होती थी, तो सीन क्या हुआ भाई, एक जैसे ग्रुप वगैरह होते हैं ना, तो मंडी का आई थिंक एक ग्रुप था, तो उन्होंने स्टोरी वगैरह डाल के रखी थी कि राइड पे चलना होगा तो मेंशन कर देना और डीएम कर देना ये वो। तो मैंने उनको मैसेज करा, मैं क्या भाई मैं राइड पे जा आ सकता हूँ, उन्होंने मेरे को रिप्लाई करा कि तुम्हारे पास कौन सी बाइक है भाई। उसके बाद मैंने उनको कोई रिप्लाई नहीं करा, मतलब उस मैसेज का, तो वो चीज़ मेरे को बहुत गलत लगी। मतलब बाइक से तुमने क्या लेना देना, जब बंदा पूछ रहा है कि मैं राइड पर आ सकता हूँ तो मतलब अगर तुमने ज्वाइन करवाना है तो बोल दो आ जाओ, अगर नहीं करवाना है तो ये क्या मतलब हुआ है। जिस टाइम मेरे पास प्लैटिना थी उस टाइम भी हमारे भाई 390 पे हमारे साथ राइड करते थे, NS पे राइड करते थे, तो हमारे भाईचारे में तो भाई बाइक का ऐसा कोई सीन नहीं है, बाइक स्कूटी जो मर्जी हो भाई, तो इट डजेंट मैटर, बस अपने भाई ठीक होने चाहिए, दिल के अच्छे होने चाहिए। हमारे लिए भाई भाईचारा मैटर करता है, दिल मैटर करता है, अगर बंदा ठीक है देन कुछ भी चलेगा, और अगर दिल खराब है भाई फिर चाहे वो बंदा ZX10R क्यों ना लिया। हेलो मुन्नू भाई, मुन्नू कितना क्यूट था यार, ऐसे कर रहा था बाय 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 बाय, और काफ़ी अच्छा लगता है यार, इस स्माइल के पीछे हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। देखो बाइक की साउंड इतने दूर से बंदों को कैसे सुनाई दे रही है, बंदे मुड़ के देख रहे पहले ही एडवांस में ही भाई, बजरे पे लगता मेरे को मोटा डर। ये देखो भाई बंदों के रिएक्शन भाई, हम लोग तो पहुँच गए मोई में, हर्षू भाई कहाँ रह गया यार, यहीं कहीं पे। अच्छा ओफ ओफ ओ रे अपने हर्षो भाई,
मेरे को नहीं पता आज हर्षु भाई मेरे को कहाँ लेके जाएंगे भाई। हर्षु भाई राम राम। और ठीक ठाक? और भाई बढ़िया, बस बढ़िया। आज किस साइड चलना? ये रोड कहाँ को जाता? चंद्रुई, ये वाला। तो चलो आज भी स्कूटी लेके आए, आज भी स्कूटी लेके आए। मेरे को लगा बाइक लेके आ गया था। अच्छा तो फिर हाइपर राइड कैसे करेंगे यार बाइक और स्कूटी की? हाँ नहीं हो सकती है भाई। लेकिन मेरे को लगा बाइक लेके आओगे, मैं क्या आज बाइक। ओ गाड़ी आ गई, थोड़ा सा आगे चल पड़ो। पर मैं कर लेता इसी साइड। इस रोड पे तो भाई मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ यार। जब भी हम लोग यार नई जगह से होते हुए जाते हैं ना, बड़ा मजा आता है नई जगह देखने का। भाई पूरा रोड सिंगल रोड है और ऊपर से ये जो टाइल्स होती है ना इन, ओ, ओ, देख, फक, भाई कसम से भाई मेरी अगली वाली ब्रेक पूरी जाम हो गई थी यार। ये बड़ा सीन है, ABS का सीन होता है या क्या सीन होता है भाई। आज भी जो है ना वो पूरी ब्रेक जाम हो गई थी भाई, लग ही नहीं रही थी। ओह माय गॉड। चलो अब हम भी भगाते थोड़ा सा। ओह एक टाइम होता था हम लोग यहाँ पे भाई क्रिकेट खेलना करते थे। हाँ वही जगह है वैसे। मेरे को लग रहा है नया ड्राइवर है कोई। ये क्या कर रहा है? मैं ऐसे बस वगैरह के पीछे खड़ा होता हूँ ना, किसी बड़ी गाड़ी के पीछे, मेरे को भाई लिटरली बहुत डर लगता है। वरा इतनी जगह है भाई, आने दे। आन दो भाई, आन दो आन दो आन दो आन दो सीधी आन दो। अभी बाइक को भगाते फुल पावर, थोड़ी सी हाइपर राइड कर लेते हैं हर्षु भाई के साथ। वैसे हर्षु भाई भी भाई स्कूटी के साथ कितनी खतरनाक राइड करता है, लेकिन हम लोग ओ ओ भाई एकदम से गोली की तरह निकला बंदा भाई। यार बच गया भाई, बच गया। मेरे को लगता मोटा है स्कूटी चला के भाई, इसको पता नहीं कैसे बाइक कंट्रोल करता है। लेकिन अभी हम लोग जो है थोड़ी सी हाइपर राइड करेंगे, फिर आगे हर्षु भाई को बोलेंगे कि भाई यार तुम स्कूटी लेके आए, ये क्या मतलब है यार, हम लोगों ने सोचा था बाइक लाओगे। थोड़ा सा हर्षु भाई को उकसाएंगे हम। लेकिन यार मैंने पहले भी बोला, हमारे लिए मैटर नहीं करता बाइक हो स्कूटी हो जो भी चीज़ हो, मैटर करता है दिल। ये दिल दीवाना है अच्छे दिल का। चचा भाई भाई यार आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो हमारे लिए भाई रास्ता पूरा खुला छोड़ दिया। ओ भाई इतनी ज्यादा ट्रैफिक इस रोड में, वो भी गड्ढे ज्यादा है इसमें। ओ एक तो अब मेरे को सिंगल रोड में चलाने का इतना ज़्यादा वो हो गया है एक्सपीरियंस ना, क्योंकि हमारी साइड मैक्सिमम सिंगल रोड ही होते हैं। और बंदे मेरे को बोलते भाई तुम सिंगल रोड में इतना तेज कैसे चल लेते हो? भाई कंट्रोल है, बस एक दूसरे को देख के भगानी नहीं। मतलब मेरे को पता है कि अगर एकदम से आगे गाड़ी आ भी जाएगी ना इस टाइम पे, मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ और कितनी स्पीड पे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। इनफैक्ट आगे जैसे देखो रोड ख़राब है, तो बाइक जो है वो रहनी चाहिए थोड़े कंट्रोल में। ओह हर्षु भाई भी भाई क्या स्कूटी भगा रहा है कसम से, आ गया होगा एकदम से पीछे। बोलते हर्षु भाई को, वो देखो इसको भाई को। भाई स्कूटी भाई इतनी तेज, अबे यार चलता कैसे है यार ये भाई, स्कूटी इतनी तेज कौन चलाता है यार? हर्षु भाई भाई इसको तो बाइक की जरूरत सच में नहीं है कसम से भाई, कसम से। हैं इंडिकेटर तो यार इन फोन वालों ने मेरे को दुखी कर दिया है। रुको यार फोन आ रहे मेरे को, बस इतनी आ जाओ ले बोला। चलो यार अभी हम लोग चलते हैं और निकलते हैं जल्दी जल्दी, मेरे को नाइके का कॉल आ रहा है तो उसको लेने भी मेरे को जाना होगा। अभी जा रहे हैं हम लोग क्रिकेट खेलने के लिए। और हर्षु भाई यार
मजा नहीं आ रहा भाई राइड का। ओ ओ अंकल 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 आराम से भाई, अगर बाइक लेके आते ना तो मजा आना था। मैंने सोचा बाइक लेके आओगे, अरे तो स्कूटी इतनी धीरे धीरे चल रही है, बाइक आपको पता है 100 भी स्कूटी से भी अच्छी टक्कर दी ना, वैसे ऐसी बात नहीं है। अरे फिर भी बाइक होती तो मजा आना था ज्यादा। ऐसा नहीं वैसे तो यार, मतलब देखो आप भाई हो ना अपने, तो मैं बोल रहा हूं मुझे थोड़ा सा बुरा लगा इस बात को सुनकर। आप एक बार खुद सोचो ना, आपके पास भी पहले प्लेटिना थी, शुरू से ये तो नहीं थी आपके पास। हम सही बात है, आपको थोड़ा मतलब लगना चाहिए ना। वैसे मैं तो आपको यार मतलब बहुत अच्छा मानता हूं, लेकिन थोड़ा मुझे फील हो गया, आपने चाहे मजाक में बोला होगा कैसे बोला होगा, बुरा लगा क्योंकि भाई। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं, पर मैं ऐसे बोरा की राइड पे आए थे तो थोड़ा हाइपर हो जानी थी। देखो ना मेरे पास तो स्कूटी है, मैं औरों की तो लौंगा नहीं मानते किसी। हां हां सही बात है, जो भी चीज है अपनी चीज, जो भी है बेस्ट है ना। अरे मैं मजाक कर रहा हूं यार, ऐसा कुछ नहीं है। चलो आप ये चलाओ, ये भी आपकी है। तो यार हम लोग यार हर्षु भाई के साथ मजाक कर रहे थे, और हर्षु भाई जो है ना, जब मेरे पास अडेप्टर नहीं होता था इन्होंने मेरे को अडेप्टर दिया, सब कुछ दिया। तो हर्षु भाई के साथ तुमको पता है हम लोग मजाक कर रहे थे, हर्षु भाई बोरे दोस्ती था, सीरियस ले गया था मैं, उस वजह से मैं भगा रहा था कि बाइक को आज स्कूटी। नहीं 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 नहीं, अरे ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी अपने भाई यार, अपने भाई मैंने पहले भी बोले कि बाइक्स डजंट मैटर, दिल अच्छा होना चाहिए अपने भाइयों का, जो कि काफ़ी अच्छा है। और मैं तुमको पता है उन्हीं भाइयों के साथ घूमता हूँ जो दिल से मतलब जुड़े होते हैं। बाकी ऐसे मेरे को बहुत बंदे बोलते हैं, बट मैं भी सोच रहा था कि भाई ऐसा कैसे नहीं नहीं मैं खुद एक्चुअल में ब्लॉग में ये चीज़ बोल रहा था ना, क्योंकि जब मैं भी मतलब आपको पता है मेरे पास प्लेटिना होती थी, तो उस टाइम मेरे को बंदे बोलते थे, बोला भाई प्लेटिना है तो मतलब ऐसे डग मगाने वाली बातें करते थे, फिर मैं जाता ही नहीं था राइड पे, तो उस वे में मैंने बोला। बाकी तुमको पता है हम लोग मजाक करते रहते हैं। चलो इसको चलाओ भाई, ये भी आपके, और अपने साथ एक और भाई आ रखे है, भाई का क्या नाम है? प्रतीक। प्रतीक भाई है, स्कूटी चला लोगे ना सबसे बात ऐसे भाई का सबसे मेरे को लगता है ये बात है भाई, प्रो राइडर। और भाई ये तो हम लोग मजाक कर रहे थे, बाकी तुमने व्लॉग में देखा ही होगा भाई कैसे चला देते हो उसको। भाई मेरे को कसम से ऐसा लग रहा था स्कूटी नहीं भाई जहाज चला रहे कि बाइक वाज स्कूटी की पावर बताएंगे। नहीं नहीं भाई इतनी नहीं, बहुत ज्यादा पावरफुल है भाई अपना ब्लेज, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है कसम से। मेरे को लगा मोटा डर, मैं पूरे रास्ते में एक ही चीज बोलता रहा मैं, क्या भाई इतना फास्ट। तो चलो यार हम लोग चलते हैं, बाकी मैं आज स्कूटी चलाऊंगा भाई। नहीं ट्राई करूंगा, बाकी धीरे धीरे चलूंगा मैं। टाइट ना, ये ज्यादा टाइट हो गया। अच्छा बिल्कुल ऐसे हो जा रहा है। ठीक 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 बात है, मेरे को लगता मोटा डर भाई। अच्छा जय श्री राम, ये चलो गाइस आज हम लोग चलेंगे स्कूटी की राइड पे, वो भी फुल पावर। नहीं चलेंगे भाई कसम से, मेरे को लगता भाई मुट्ठ डर। ओ भाई हर्षु कैसे भगा लेता भाई तू, वही वही कुछ आ रहा है। ओ चाचा थोड़ा परे हो जा मुआ। एक्चुअल में मोंटू भाई के पास भी स्कूटी है ना घर पे, तो मैं उसको भी नहीं चलाता हूँ, मेरे को वो बोलते कि इसको लेके चला जा भाई। भाई मेरे को पड़ गया आदत पक्की बाइक की, और गियर पे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, ऐसे तो मेरे को बड़ा अजीब सा लग रहा है, डर लग रहा है भाई। नो रेस भाई भाई कसम से यारा बड़ बड़ टॉप है। नहीं भाई नहीं, भाई कसान है भाई कसम से यारा। हाँ एक टाइम था भाई मैं भी भगाता था, बट एक तो इसके टायर छोटे, लेकिन जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है ना उसके बाद मैंने भगाई नहीं है, भगाई क्या मतलब मैंने लिटरली चलाई भी नहीं है। देखो ऐसे बजरे पे तो भाई राम 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 राम, मेरे को ऐसा लग रहा मैंने पंगा ले लिया इससे स्कूटी लेके। अभी ऐसे धीरे धीरे तो मैं चला लूँगा, लेकिन भाई जिस हिसाब से इसने भगा के रखी थी ना भाई कसम से यार बहुत गंदा चलता है भाई, बहुत गंदा। जंगल देखो यार कितना प्यारा लग रहा है, बाकी अभी मौसम जो है काफ़ी ठंडा हो रखा है, और धीरे धीरे अब जैसे जैसे शाम होती रहेगी भाई ठंड और ज़्यादा बढ़ती रहेगी। चलो यार अभी हम लोग भी यहाँ से निकलते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा कॉल आ रहे हैं नाइकी के, और अभी हम लोग जाएंगे क्रिकेट खेलने के लिए। लेकिन उससे पहले जो है भाभी भी आ रहे हैं हमीरपुर से, तो उनको लेके जो है मेरे को घर जाना पड़ेगा, मतलब घर छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग फिर से आएंगे, फिर नाइकी को उठाएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा काम है। तो चलो जल्दी जल्दी मतलब यहाँ से निकलते हैं यार, सुबह चले ना चलें चलें। बाकी मज़ा आ गया यार आज की राइड पर। फिलहाल तुम लोग रोड देखो भाई कितना मस्त रोड लग रहा है, अब ज़्यादा टाइम हम लोग वैसे भी लगाएंगे नहीं, 5-7 मिनट तो लग ही जाएंगे, 10 मिनट जितने भी लगेंगे। और भाई जंगल तो बहुत प्यारा जंगल है, ये बहुत प्यारा जंगल, आएंगे इस साइड फिर से कभी, ओह या तो कल ही आ जाएंगे, देखेंगे सिस्टम बना के।